तो आज का हमारा सवाल है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर यानी मोशन इन वन डायमेंशन से। तो चालू करते हैं। अ पार्टिकल मूव विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। हमसे कह रहा है एक पार्टिकल है वो पहले आधे टाइम के लिए मूव किया है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन इन रिमेनिंग टाइम T/2 इट कवर्स रिमेनिंग टाइम के फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी इसमें आधी डिस्टेंस और इसकी फिर ये बचेगी भी आधी हाफ डिस्टेंस विद स्पीड। ये हाफ डिस्टेंस इसने कवर की है 6 मीटर पर सेकेंड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद 4 मीटर पर सेकेंड और अगली 4 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे कह रहा है इसकी एवरेज स्पीड निकालो। हमको पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब पहले तो हम इस पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s/2 + s/2 अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये इसने इसके आधे का आधा यहाँ होगा, आधे का यहाँ होगा, लेकिन हमें दो वेरिएबल मिल जाएंगे। तो हमारे लिए दो अननोन को रख के एवरेज स्पीड निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो हम टी को क्या कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। तो हम टाइम को अगर इधर ले जाएं, स्पीड को इधर ले आएँ, तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो इसका जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी s/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 6 प्लस इधर का जो टाइम होगा s/2 अपॉन स्पीड 4। इससे हमें ये मिले पता, ये फ़ायदा होगा कि ये जो ये एक अननोन है हमारा s, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जिससे कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो s/2 + s/2 हमारा s हो गया अपॉन ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, इसको करेंगे 8 और s को हम कॉमन ले लें यानी बाहर। तो 6 × 2 = 12 प्लस 1/8 4 × 2 = 8 s और s कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 8 से इसको 8 से कर दें, इसको 12 से इसको 12 से कर दें। अब ये 8 + 12 आ जाएगा ऊपर नीचे, इस मतलब इसके डिनोमिनेटर में ये ऊपर 8 + 12 आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में 12 × 8 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा हमारा, यानी ये जो 12 × 8 आया ये ऊपर चला जाएगा फिर। तो ये 12 × 8 लिख सकते हैं हम। तो ये 12 × 8 / 20 12 + 8 2 1 = 2 2 6 = 12 8 6 = 48 48/10 4.8। ये एवरेज स्पीड हमारी यहाँ की आ गई 4.8। अब हमें टाइम पता है, स्पीड पता है हमें, लेकिन ये नहीं पता है कि ये डिस्टेंस इन दोनों की, ये s/2 s/2 है लेकिन ये डिस्टेंस क्या है। तो हम डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लें, डिस्टेंस को हम यहाँ पे हमने स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया था, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इन टू टाइम। हमें स्पीड पता है, टाइम पता है आधा आधा। तो स्पीड कितनी है पहली 10 × t/2, फिर अगली स्पीड कितनी निकाली हम लोगों ने 4.8, टाइम कितना दिया है t/2 और टोटल टाइम हमें कितना पता है t/2 + t/2। ये t/2 + t/2 हमें t मिल जाएगा और यहाँ पे ऊपर t कॉमन लेके अगर हम बाहर निकाल लें तो ये 10/2 + 4.8/2 आ गया, अपॉन में t आ गया, ये t कैंसिल, ये आ जाएगा 5 × 5 = 10 और ये आ जाएगा 2.4 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।